मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम सभी लोग TGT चित्रकला की तैयारी के लिए महत्वपूर्ण बिंदु का अध्ययन करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने ऐसे बिंदुवार नोट्स का अध्ययन किया था। ये चैप्टर फर्स्ट का बिंदुवार नोट्स हम अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें कलागत तत्व से संबंधित प्रश्न हैं। और आज ये बिंदुवार नोट्स यहाँ पे लेसन एक का समाप्त होता है। इससे संबंधित कल हम 125 प्रश्न हल करेंगे, तो आज इन बिंदुवार नोट्स को हल करते हैं। इसके बाद अगले वीडियो में हम सभी लोग इससे संबंधित महत्वपूर्ण टेस्ट को हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं, मास्किंग टेप किसे कहते हैं? तो धरातल जैसा है उसे वैसा ही छोड़ने के लिए उसे मास्किंग टेप से ढक दिया जाता है तथा रंग हो जाने के बाद उतार दिया जाता है, यही मास्किंग टेप होता है। आगे देखते हैं, रंग को कपड़े या कागज से रब करने की तकनीक को क्या कहते हैं? तो रंग को कपड़े या कागज से रब करने की जो तकनीक होती है उसे कहते हैं फ्राटेज। आगे देखते हैं, सिगरेफिटो का विकास कब हुआ था? 13वीं शताब्दी यूरोप में हुआ था सिगरेफिटो का विकास। सिगरेफिटो क्या होता है? नीचे वाली रंग की परत को खुरचना क्या कहलाता है? सिगरेफिटो। आगे देखते हैं, सिगरेफिटो में जिस टूल से प्रथम अंकन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं स्टाइलस। आगे देखते हैं, स्टूडियो के बाहर कार्य करने के लिए सबसे सुविधाजनक माध्यम क्या होता है? तो जल रंग होता है। आगे देखते हैं, धातुओं के रंग कब बनाए गए? तो 18वीं शताब्दी में धातुओं के रंग बनाए गए थे। प्रागैतिहासिक काल में कौन से रंग प्रयुक्त होते थे? तो गेरू, खड़िया और कोयला। आगे देखते हैं, दीवारों पर बने चित्रों को क्या कहते हैं? तो भित्त चित्र कहा जाता है। भित्त चित्र परंपरा इतिहासकारों के अनुसार कब से आरंभ होती है? तो अजंता की गुफाओं से आरंभ की गई है, ऐसा माना जाता है। आगे देखते हैं, भित्त चित्रण की तकनीक कौन कौन सी है? तो जो भित्त चित्रण की तकनीक है वो टेम्परा है, सिगरेफिटो है और फ्रेस्को है। फ्रेस्को चित्रण क्या है? तो भित्त चित्रण की एक विधा होती है, उसको फ्रेस्को चित्रण कहा जाता है। भित्त चित्रण की वह तकनीक जिसमें प्लास्टर गीला होने पर रंगों को लगाया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं फ्रेस्को चित्रण। फ्रेस्को की कितनी तकनीक होती है? तो दो तकनीक होती है, एक फ्रेस्को सेस्को और फ्रेस्को बूनो। फ्रेस्को चित्रण किससे संबंधित है? तो फ्रेस्को बूनो से संबंधित है। फ्रेस्को सेस्को पर कौन सी वार्निश प्रयोग की जाती है? तो वैक्स वार्निश का प्रयोग किया जाता है। फ्रेस्को के चित्रण किस पर किए जाते हैं? तो गीली सतह या गीली भित्ति पर। फ्रेस्को चित्रण में धरातल पर प्लास्टर की कितनी परत लगाई जाती है? तो तीन परत लगाई जाती है। आगे देखते हैं, मोम लगाकर कपड़े रगने की तकनीक को क्या कहते हैं? तो बाटिक कहा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। बाटिक में क्या प्रयोग किया जाता है? तो बाटिक में मोम का प्रयोग किया जाता है। एक बार में एक ही रंग किस पर किया जाता है? एक बार में एक ही रंग जो किया जाता है वो बाटिक में किया जाता है। आगे देखते हैं, बाटिक में क्रेक ज़्यादा लाने के लिए कौन सा वैक्स अधिक मात्रा में प्रयोग किया जाता है? तो फेराफिन। आगे देखते हैं, बंधक का प्रयोग किस में किया जाता है? तो बाटिक में किया जाता है। जावा निवासी किससे मोम लगाते हैं? तो जावा निवासी जो होता है वो लगाते हैं मोम को टियाटिंग से। टाई एंड डाई जापान में क्या कहते हैं? तो सिबोरी कहते हैं। आगे देखते हैं, चेरा स्क्यूरो का क्या अर्थ होता है? छाया एवं प्रकाश का संतुलित प्रयोग जो होता है वो चेरा स्क्यूरो कहा जाता है। चेरा स्क्यूरो का प्रारंभ किसने किया था? तो चेरा स्क्यूरो का प्रारंभ जो किया था लियोनार्डो दा विंसी ने किया था। जॉन कांस्टेबल ने रंगों को सीधे कैनवास पर लगाने की किस पद्धति का विकास किया था? तो जो पद्धति थी वो ग्रीसाइल पद्धति थी। प्रथम ग्रेफाइट पेंसिल कब बनी थी? तो 1662 ईस्वी में प्रथम ग्रेफाइट पेंसिल बनी थी। फेवर ने इंग्लैंड में पेंसिल कंपनी कब स्थापित की थी? 1761 में।
पेंसिल की कितनी डिग्रियां दिखाई देती हैं, तो 15 डिग्रियां दिखाई देती हैं, 15 डिग्री दिखाई देता है। अच्छी पेंसिल के लिए कौन से पेड़ की लकड़ी प्रयुक्त की जाती है, तो सीडार के पेड़ की लकड़ी प्रयुक्त की जाती है पेंसिल में। और थ्री पेंसिल तकनीक क्या होता है, एक साथ एक ही स्केच में प्रयोग, ब्लैक पेंसिल, श्वेत पेंसिल या चाक तथा सेंग्लियन। आगे देखते हैं, फ्रांस की वार्षिक कला प्रदर्शनी को क्या कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, तो फ्रांस की वार्षिक कला प्रदर्शनी को सलोन कहा जाता है। अगला देखते हैं, सेंग्लियन ड्राइंग किस शताब्दी में प्रचलित हुई, तो 14वीं शताब्दी में प्रचलित हुई। स्टाइल शब्द किससे बना है, लैटिन शब्द का स्टाइलस से। अलसी का तेल तथा पापी तेल के साथ तैल रंग जब प्रयोग किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, तो फैट कहते हैं। तारपिन का तेल या श्वेत स्प्रिट के साथ तैल रंग जब प्रयोग किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, लीन कहते हैं। एचबी पेंसिल में एचबी का अर्थ होता है क्या होता है, तो एच का अर्थ होता है हार्डनेस और बी का होता है ब्लैकनेस। आगे देखते हैं, लिथोग्राफ क्या होता है या लिथोग्राफ क्या है, तो पत्थर के ऊपर ड्राइंग करने की करके प्रिंट लिए जाते हैं, वही लिथोग्राफ होता है। एक्शन पेंटिंग कैसे की जाती है, कैनवास जमीन पर बिछाकर इनेमिल पेंट के डिब्बे के नीचे छेद करके कैनवास को या कैनवास के चारों ओर घूम घूम कर पेंटिंग की जाती है, उसे एक्शन पेंटिंग कहा जाता है। एक्शन पेंटिंग की शुरुआत किसने की थी, तो जैक्सन पोलॉक ने की थी। आगे देखते हैं, रंग वर्ण क्या है, तो यह प्रकाश का एक गुण है। हयू क्या होता है, यह एक वर्ण का गुण होता है। मोनोक्रोम क्या है, रंगों का गाढ़े रंग से हल्के रंग की तरफ जाना, अर्थात एक ही रंग के विभिन्न टोन को मोनोक्रोम कहा जाता है। जैविक रंग कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कारमाइन, दूसरा होता है क्रिम्सन। सबसे हल्का रंग कौन सा होता है, सबसे हल्का होता है बेरिडियन ग्रीन। कौन सा आकार शाश्वतता का प्रकट करता है, तो शाश्वतता का प्रकट जो करता है शाश्वत का त्रिभुजाकार। कौन सा आकार सबसे अधिक कलात्मक होता है, तो आयताकार जो होता है सबसे अधिक कलात्मक माना जाता है। आगे देखते हैं, कला शब्द का प्रयोग किस ग्रंथ में हुआ था, तो ऋग्वेद में हुआ था। और कला किस भाषा का शब्द है, संस्कृत भाषा का शब्द है। कला शब्द का प्रयोग किस कला हेतु किया गया है, तो ललित कला के हेतु किया गया है। कामसूत्र के लेखक कौन, वात्स्यायन मुनि है। वात्स्यायन के कामसूत्र में कितनी कलाओं का वर्णन है, 64 कलाओं का वर्णन है। कामसूत्र के किस अध्याय में 64 कलाओं का वर्णन किया गया है, तो तीसरे अध्याय में किया गया है। कामसूत्र की 64 कलाओं में चित्रकला का कौन सा स्थान है, तो चित्रकला को आलेखम कहा गया है और चौथा स्थान है। कामसूत्र की 64 कलाओं में चित्रकला को क्या नाम दिया गया, तो आलेखम। कामसूत्र की टीका किसने लिखी थी, तो 11वीं शताब्दी में पंडित यशोधर ने लिखा था। और ये कामसूत्र की टीका किस नाम से जानते हैं, तो जयमंगला के नाम से जानते हैं। वात्स्यायन किस शताब्दी में हुए थे, 4वीं शताब्दी में हुए थे। ललित कला या ललित विस्तार में कितनी कलाएं हैं, तो ललित विस्तार में जो है वो 79 कलाएं हैं। सर्वप्रथम कला शब्द का प्रयोग कहाँ हुआ है, तो सर्वप्रथम कला शब्द का जो प्रयोग हुआ नाट्यशास्त्र में हुआ। नाट्यशास्त्र के प्रणेता कौन है, आचार्य भरत मुनि है। और नाट्यशास्त्र में कितने रसों का वर्णन है, 8 रसों का वर्णन है। नाट्यशास्त्र में कितने भावों का वर्णन है, तो 49 भावों का वर्णन है। नाट्यशास्त्र में कितने प्रकार के वर्णों का वर्णन है, 3 प्रकार के, लाल, पीला और काला। किसके द्वारा किया गया कला का विभाजन सर्वमान्य है, तो हीगल महोदय के द्वारा किया गया कला का जो विभाजन वो सर्वमान्य होता है। हीगल के वर्गीकरण को किस नाम से जानते हैं, तो हीगेलियन क्लासिफिकेशन ऑफ फाइन आर्ट के नाम से हीगल का वर्गीकरण किया है कला का। कला कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के, उपयोगी कला और ललित कला। उपयोगी कला हमें क्या प्रदान करता है, तो भौतिक सुख। और ललित कला, उपयोगी कला किससे संबंधित, आभूषण निर्माण, रंगाई, छपाई, बढ़ईगिरी, ये सब उपयोगी कला की श्रेणी में आएंगे। और ललित कला हमें क्या प्रदान करती है, आत्मिक सुख प्रदान करती है। ललित कला के दायरे में कितनी कलाएं आती हैं, 5 कलाएं आती हैं, चित्रकला, मूर्तकला, वास्तुकला, संगीत कला और काव्य कला। आगे देखते हैं, ललित कला के कितने रूप हैं, 2 रूप हैं, रूप प्रद और अरूप प्रद। अगला देखते हैं, जिनका चाक्षुष रूप होता है उन्हें कौन सी कलाएं कहते हैं, रूप प्रद कलाएं कहते हैं। और जिनका चाक्षुष रूप नहीं होता उन्हें कौन सा, अरूप प्रद कलाएं कहा जाता है। रूप प्रद कलाएं कितनी होती हैं, 3 होती हैं, चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला। और अरूप प्रद कलाएं 2 होती हैं, संगीत कला और काव्य कला। काव्य कला का आधार क्या होगा, तो
तो शब्द और अर्थ काव्य कला का आधार है। वहीं संगीत कला का आधार अगर पूछा जाए तो स्वर और नाद है, और मूर्ति कला का आधार पूछा जाए तो पत्थर और पाषाण औजार है। वास्तुकला का आधार पूछा जाए तो चूना तथा मिट्टी है। चित्रकला का आधार पूछा जाए तो रंग और ब्रश है। किस काल को भारतीय कला का स्वर्ण युग कहा गया है? तो गुप्त काल को भारतीय कला का स्वर्ण युग कहा गया है। चित्रकला का सर्वाधिक विस्तृत ग्रंथ कौन सा है? विष्णु धर्मोत्तर पुराण है। चित्रसूत अध्याय में कितने खंडों में बांटा गया? तो 9 खंडों में 35 से 43 अध्याय तक। चित्रसूत में कितने प्रकार के चित्र भेद बताए गए हैं? तो चित्रसूत में 4 प्रकार के चित्र भेद बताए गए हैं, सत्य चित्र, मिश्रित चित्र, नागर चित्र और वर्णिक चित्र। आगे देखते हैं चित्रसूत्र किस ग्रंथ का अध्याय है? तो विष्णु धर्मोत्तर पुराण का है। स्थापत्य कला और मूर्ति कला के लिए सर्वश्रेष्ठ पुस्तक कौन सी है? अग्नि पुराण है। उषा अनिरुद्ध की प्रेम कथा किस ग्रंथ में चित्रित है? तो महाभारत ग्रंथ में चित्रित है। महाभारत ग्रंथ का रचनाकाल 400 ईसा पूर्व है। महाभारत ग्रंथ के रचनाकार कौन है? महर्षि वेद व्यास जी हैं। महाभारत में राजकुमार अनिरुद्ध का चित्र किसने बनाया? तो चित्रलेखा ने बनाया था। चित्रसूत्र में शरीर के अंगों के आधार पर पुरुषों के कितने भेद बताए हैं? तो 5 प्रकार के पुरुष बताए हैं। कौन कौन से? हंस पुरुष, भद्र पुरुष, मालव्य पुरुष, रोचक पुरुष और शासक पुरुष। हंस पुरुषों की लंबाई 108 अंगुल, भद्र पुरुषों की लंबाई 106 अंगुल, मालव्य पुरुष की लंबाई जो होती है 104 अंगुल मानी गई है, रोचक पुरुष की लंबाई 100 अंगुल मानी गई, शासक पुरुष की लंबाई जो है 90 अंगुल मानी गई है। एक ताल में कितने अंगुल होते हैं? 12 अंगुल होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। मनुष्य कितने ताल में विभक्त किए जाते हैं? तो 7.5 ताल में। चित्रसूत्र में स्त्रियों के कितने प्रकार बताए हैं? तो चित्रसूत्र में स्त्रियों के 5 प्रकार बताए गए। कौन कौन से? हंसनी, पद्मनी, शंखनी, हस्तनी और मालविनी। चित्रसूत्र में केशों के कितने प्रकार बताए हैं? तो 5 प्रकार के केश बताए गए हैं, कुंतल, दक्षिणावर्त, तरंग, जटासर और वारिधारा। चित्रसूत्र में नेत्रों के कितने प्रकार हैं? तो 5 प्रकार हैं। पहला है चपलाकृत धनुषाकार नेत्र और समाकृत गोलाकार नेत्र, मस्तोदरा मछली के समान नेत्र और उत्पल प्रतिभा नील कमल के समान नेत्र और पद्म पत्रनिभा कमल की पंखुड़ी के समान नेत्र। चित्रसूत्र में कितने प्रकार के वर्ण बताए हैं? 5, लाल, पीला, नीला, काला और सफ़ेद। चित्रसूत्र में कितने रसों का वर्णन है? 9। रामायण ग्रंथ का रचनाकाल कब माना जाता है? 500 ईस्वी पूर्व। रामायण ग्रंथ के रचनाकार महर्षि वाल्मीकि हैं। रामायण में कला को किस नाम से जाना गया है? तो शिल्प नाम के जिससे जाना गया है। थेरा थोरी गाथा नामक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। रामायण में किसके समय में चित्रशाला थी? और रावण के समय में चित्रशाला बनी थी। बौद्ध धर्म का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? विनय पटिक है। विनय पटिक किस भाषा में है? पाली भाषा में। मेघदूत एवं रघुवंश ग्रंथ के रचनाकार कौन है? कालिदास। आगे देखते हैं हाथी हथिनियों के चित्र को असली समझकर सिंहों ने नाखून से वक्ष स्थल वर्धिल कर डाले, ये उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो रघुवंश महाकाव्य में मिलता है। चित्रलक्षण ग्रंथ का रचनाकाल कब माना जाता है? तो 500 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी पूर्व के मध्य माना जाता है। चित्रलक्षण ग्रंथ के रचयिता कौन है? नग्नजीत हैं। चित्रलक्षण ग्रंथ की प्रति 6वीं शताब्दी में कहाँ से प्राप्त हुई? तो तिब्बत से प्राप्त हुई। चित्रलक्षण ग्रंथ कितने अध्यायों में विभक्त है? 3। नग्नजीत का पूरा नाम क्या था? भयजीत। राजा भयजीत नग्न प्रेतों पर जीत प्राप्त किए थे, तो इसलिए उनको भयजीत का नाम पड़ा। आगे देखते हैं भारतीय चित्रकला का प्रादुर्भाव कहाँ से हुआ? तो शिला चित्रों से हुआ। भारतीय चित्रकला की आधुनिक भारतीय शैली का जनक किसे कहा जाता है? अवनींद्रनाथ ठाकुर को। भारतीय चित्रकला क्या प्रधान है? तो रेखा प्रधान है, वेरी इंपॉर्टेंट है। सौंदर्य शास्त्र के जन्मदाता कौन है? वाम गार्डन है। आयाम कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, लंबाई, चौड़ाई, गहराई तथा लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। आगे देखते हैं चित्र में कितने आयाम होते हैं? 3। मूर्ति में कितने आयाम होते हैं? 3। भारतीय कला में कितने आयाम होते हैं? 2। 3 आयाम का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ शुरू होता है? तो मंडी के कला में। घन में कितने आयाम होते हैं? 3। धरातल में कितने आयाम होते हैं? 2। शांत रस की खोज किसने की थी? अभिनव गुप्त ने। ध्वनि का सिद्धांत किसका आनंद वर्धन? अभिनव गुप्त का। चीनी लिपि को क्या कहा जाता है? चित्रलिपि कहा जाता है। कला क्या होता है ग्रंथ किसका है? सॉरी, कला क्या है यह ग्रंथ किसका है? टॉलस्टॉय का है। संप्रेषण का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो संप्रेषण का सिद्धांत टॉलस्टॉय ने प्रतिपादित किया। कला संचार है किसने कहा? टॉलस्टॉय ने। अभिव्यक्ति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? क्रोची ने। कला अभिव्यक्ति है किसने कहा? क्रोची ने। अनुकरण या अनुकृत का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया?
अरस्तु के द्वारा कला दमित वासनाओं का उभरा रूप है फ्रायड के द्वारा। फ्रायड के विचारों से किस कला का जन्म हुआ? यथार्थवाद का। आगे देखते हैं, जो पदार्थ रंग के कणों को बांधता उसे क्या कहते हैं? वाइंडर कहते हैं। विभिन्न आकृतियों की सज्जा हेतु अनेक प्रकार के बेल बूटे आदि से चित्रण करने को क्या कहते हैं? अलंकारिक चित्रण कहा जाता है। पुस्तकों के पृष्ठ कागज अथवा वस्त्रों के टुकड़े पर सूक्ष्म अलंकारिक शैली में बने छोटे छोटे चित्रों को क्या कहते हैं? तो लघु चित्रांकन कहते हैं। व्यवहारिक कार्यों में काम आने वाली कला को क्या कहा जाता है? तो व्यापारिक कला कहा जाता है। व्यापारिक कला के अंतर्गत क्या आता है? बुक कवर, पोस्टर, विज्ञापन, ये सब व्यापारिक कला के अंतर्गत आएंगे। स्केच क्या है? तो स्केच एक खसड़ा है, कुछ वस्तुओं के समूह को सामने रखकर प्रत्यक्ष देखकर छाया, प्रकाश, प्रमाण, दूरी आदि का ध्यान रखते हुए चित्रण करने को क्या कहते हैं? स्थिर चित्रण कहते हैं। चित्र में रंग भरने के बाद उसे उल्टा करके जो रगड़ाई की जाती है उसे क्या कहते हैं? गतकारी कहा जाता है। भारतीय चित्रकला का प्रेरणा स्रोत क्या है? तो भारतीय चित्रकला का जो प्रेरणा स्रोत है वो काम है। भारतीय कला का प्रेरणा स्रोत क्या है? धर्म है। अच्छा, आगे देखते हैं, ललित कला की शुरुआत किसके समय हुआ? तो ललित कला की शुरुआत जो हुई वो भाईजीत के समय हुआ। भारतीय चित्रकला का आधुनिक रूप क्या है? अमूर्त रूप है। भाव कितने प्रकार के होते हैं? दो, एक प्रकट जो सामने दिखाई दे, एक प्रच्छन्न जो चित्र देखकर हृदय में भाव उत्पन्न होता है उसे प्रच्छन्न भाव कहा जाता है। तो यहाँ पे आज इस पाठ के महत्वपूर्ण बिंदु समाप्त होते हैं। कल इस पाठ से संबंधित 125 प्रश्नों की प्रश्न श्रृंखला आपके सामने होगी, तो आप उन प्रश्नों को हल कीजिएगा। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।